नमस्कार जी, मैं झांसी उत्तर प्रदेश इंडिया से मंजू। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपको एक डिश में कैक्टस और सकुलेंट्स प्लांट्स लगा के दिखाऊंगी। और ये स्मॉल गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों, ये सारा सामान मैंने कहीं बाहर जाके कलेक्ट नहीं किया, तो ये अपने गार्डन में से ही कटिंग करके लाई हूँ। और कुछ रूट्स के साथ ये प्लांट्स मैंने निकाले हैं। तो ये पोट भी जो बना है, ये भी बहुत सालों पहले मैंने ये खुद बनाया था। ये आप देख रहे हैं। तो कुछ भी सामान मुझे बाहर से लाना नहीं पड़ा। तो ये सीमेंट और रेत बचा था, तो ये उसका मैंने बहुत सालों पहले बनाया था। तो बहुत मजबूत पॉट है ये। और ये तो रही पॉट की बात। और मिट्टी की बात मैं बताऊं कि इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको रेतली जहाँ थोड़े छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे से पत्थर मिली मिट्टी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो क्योंकि ये जो सब प्लांट्स हैं, ये रेगिस्तान के प्लांट्स हैं, और रेगिस्तान में तो रेतली रेत ही रेत होता है, और रेत में थोड़ी सी मिट्टी पाई जाती है, तो इस तरह से ही होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म जगह होती है, ये गर्म जगह में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं। और रेगिस्तान का रात को टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत गर्म रहता है। तो इसलिए जब हम इनको लगाएंगे, तो इनको काफ़ी सारी धूप की ज़रूरत होती है और पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो अब ये तो रही मिट्टी की बात। ये पहले से मेरी इस पॉट में मिट्टी बनी हुई थी, ये रेत मिली मिट्टी है। और दोस्तों, लगाना कैसे है? और ये कुछ जो स्टोन्स मेरे जब घर बना था, तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको चिप्स कहते हैं, तो ये बचे हुए थे। तो मैंने बहुत बार इनका यूज़ प्लांट्स में किया है, तो आज फिर मैं इनको ले आई। तो अब कैसे बनाना है इसको? तो फ्रेंड्स, ये मैंने ये दो एलोवेरा के प्लांट्स निकाले हैं। तो एलोवेरा तो आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, काफ़ी मतलब इनकी वो हो जाती है, फैल जाते हैं। तो अब इनको कहाँ लगाना है, मैं ज़रा देखती हूँ कि अगर ये फिर फैल जाएंगे तो बाकी ये सारे पौधों को छुपा देंगे। तो दोस्तों, मैं पहले सोच रही हूँ कि ये एक कैक्टस लगाऊँ। इसमें ज़्यादा कांटे नहीं होते हैं, तो इसको मैं हाथ से पकड़ के आराम से ये कुछ इस तरह से सेंटर प्लेस में लगा देती हूँ। तो ये लंबा तो होता है, पर ये है कि नीचे से जगह इसकी दिखती रहती है और ये ऊंचा ऊंचा जाता रहता है। तो ये प्लांट भी मेरे घर में था, मुझे मिल गया। और एक ये दो प्लांट मैंने अपने गमले में से ये निकाले हैं इस तरह से। ये देखिए, ये निकाले हैं। तो इनको मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ये इसके फ्रंट साइड में, क्योंकि ये बस ऐसे ही फैलते हैं और ज़्यादा तो हो जाते हैं, पर इनकी हाइट नहीं होती, बस इतने ही ऐसे ही रहते हैं। तो ये कुछ मैंने इस तरह से निकाले हैं, ये जड़ के साथ। अगर जड़ ना भी हो तो भी ये इजीली ग्रो करते हैं बिना जड़ के भी। तो ये इस तरह से कुछ लगा दिया। और एक ये छोटा सा है, इसको मैं ये साइड पे लगा देती हूँ इस तरह से। और दोस्तों, एक ये मैंने निकाला है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। और एक मैंने ये निकाला है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने जड़ के साथ ही निकाला है। तो इसको हम दोस्तों, इसकी भी ग्रोथ बस ऐसे ग्रोथ तो इसकी होती है, लंबे नहीं ज़्यादा होते, बस इतने ही रहते हैं और बहुत ही स्लो ग्रोथ है इनकी।
तो इसके जैसे ये लंबा होता है, काफ़ी लंबा, और ये भी थोड़ा बड़ा होगा, और ये ऑलमोस्ट इसी साइज़ के रहते हैं, जहाँ थोड़े से बड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे ही रहते हैं। तो इसको हम ऐसे कुछ इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए, ये अब लगाने के बाद मैं देखूँगी कि मुझे कैसे अच्छा लग रहा है। अगर मैं इनको चेंज करना चाहूँ तो फिर मैं चेंज भी कर लूँगी। एक मैंने ये निकाला है, और ये मैंने अपने गमले में से निकाला है, इसको इस तरफ लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। और दोस्तों ये इस तरह से भी एक निकाला है, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं बहुत बारीक बारीक होते हैं, अगर चुभ जाएं तो उनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसा माना गया है कि इनके जो कांटे हैं वो स्लो पॉइज़न का काम करते हैं, तो शरीर में चले जाएं उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए प्लायर की मदद से मैंने इसको उठाया है। तो अब मेरा पोट तो छोटा है, प्लांट्स ज़्यादा हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कहाँ लगाऊँ। तो दोस्तों इसको यहाँ लगा देती हूँ, इस तरफ लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये बस इसी साइज़ के रहते हैं छोटे छोटे। या फिर इसको थोड़ा कपड़े की मदद से मैं लगा देती हूँ, ये ऐसे। और एक मैंने दोस्तों ये निकाला है कुछ इस तरह से, ये निकाला है। अब हम इसको कहाँ लगाएं, इसको हम इधर लगा देते हैं, यहाँ ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसमें लगा देते हैं, इसमें ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा ये। तो फ्रेंड्स इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, अगर हम इनको ज़्यादा पानी इनमें डाल देते हैं, ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो इनकी रूट्स गल जाती हैं, और रूट्स गलने के बाद पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है, मर जाता है वो। तो इनमें बहुत कम पानी दें आप, एक हफ्ते के बाद थोड़ा पानी दें बस। और दोस्तों ये प्लांट्स मेरे बच गए हैं, अब मुझे लग रहा है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं एलोवेरा यहाँ लगाती हूँ तो ये फैलेगा और इनको ढक देगा। तो चलो देखते हैं, लगा देते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर हम बाद में इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से कुछ ये एक एलोवेरा लगा दिया। इनको मैं साइड में रखती हूँ ताकि अगर फैले भी तो ये साइड से फैले, और जब इसकी ये जो टहनियाँ अंदर की तरफ आएंगी तो हम उनको काट देंगे और बाहर वाली रहने देंगे। कुछ इस तरह से इसकी शेप कर लेंगे, बना लेंगे। और ये इस तरह से फ्रेंड, जब कैक्टस आप लगाते हो तो बहुत ध्यान से लगाएं, इनके कांटे बहुत ही खतरनाक होते हैं, और अगर चुभ जाएं तो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों एक मैं ये भी लाई थी, ये भी मैंने एक कटिंग करके, इसमें मई और जून में येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये लंबा खूब मतलब बेल की तरह हो जाता है। तो इसके कांटे देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए। तो अब इसको लगाने की मुझे नहीं लग रहा कि इस पॉट में इसको लगाने की ज़रूरत है, तो फिर हम इसको फेंक ही देंगे, तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये भी एक लाई थी मैं। तो दोस्तों ये बेल टाइप का होता है, अगर आप इसको छोटे पॉट में लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हो, बस ये है कि आपको टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग करते रहनी पड़ेगी। तो ये छोटे से जैसे इतना साइज़ आप रखना चाहते हैं तो सेंटर में इसको लगा के ये इतना हो जाएगा, और इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये ऊपर से घना होता जाता है। तो इसको मैं सोच रही हूँ छोड़ ही देते हैं, रहने देते हैं। और एक ये मैंने निकाला है, इसको कहाँ लगाएं,
इसको भी साइड पे लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, इस तरफ लगा देते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देख रहे हैं। तो एक छोटा सा ये भी मैंने और निकाला था ये पोर्ट से, और इसको भी हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होता, तो इसको भी हम ये कहीं लगा देते हैं, इसी में लगा देते हैं, यहाँ रख देते हैं। इनको लगाने में बड़ा डर लगता है मुझे, इनके कांटे इतने ख़तरनाक होते हैं कि निकालना इनको बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों इनमें केयर नाम की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस यही है कि आप इनको बहुत ज़्यादा पानी ना, ओवर वाटरिंग ना करें, और इनको धूप वाली जगह में रखें, और बस यही करना है। और हफ्ते में आप इनमें एक बारी पानी दे दें तो इनके लिए सफिशिएंट है। अगर गिल्ली मिट्टी रहेगी तो गिल्ली मिट्टी में ये इनके जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी, और गलने के बाद वो आपका जो है जो पूरा ही प्लांट वो मर जाएगा। तो इस तरह से ये चिप्स कुछ इस तरह से डाल दें, ये डाल दें, ये आप देख रहे हैं। तो ये मेरा डिश गार्डन तैयार हो गया कैक्टस और सुकुलेंट प्लांट से। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो दोस्तों अगर आपके घर में ये सब प्लांट्स हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, वो आपका बहुत ही ये सुंदर गार्डन हो जाएगा, एक ये स्मॉल गार्डन बन गया, देख रहे हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करोगे, ये सब बनाओगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप कांच के बर्तन में बनाना चाहें तो उसमें भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ऐसे बस ऐसे आप इनमें पत्थर डाल दीजिए, ये आपका कैक्टस और सकुलेंट गार्डन तैयार हो गया। दोस्तों जैसे कैक्टस और सकुलेंट, तो आप समझते हैं कि सकुलेंट उन प्लांट्स को बोला जाता है जिनकी पत्तियां मोटी होती हैं और अपने आप में ही खूब इनमें पानी होता है, तो वो उनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा अगर पानी उनको दे देते हैं तो जो मोटी, जितने भी मोटी पत्ती वाले प्लांट्स होते हैं वो सब सकुलेंट प्लांट्स कहलाते हैं, उनको सकुलेंट प्लांट्स कहा जाता है। और कैक्टस तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से ये हमारा डिश गार्डन तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स अब ये तो हमारे जो मैं और लाई हूँ ये तो मुझे लग रहा कि काम का नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जगह भी नहीं बचेगी इनको फैलने के लिए। तो बस मैं इनमें इतने ही प्लांट लगाऊंगी, ये सब इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है इस गार्डन के लिए, और ये छोटी सी डिश है तो इतने काफ़ी हैं। तो दोस्तों आप अपने घर में ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी भी हाइट ज़्यादा नहीं होती, इसकी तो बढ़ती है, खूब बढ़ती है, पर ये नीचे आपको दिखता रहेगा, ये सब गार्डन दिखते रहेंगे, और इनकी तो इतनी ही रहती है और थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बस। और ये देखिए आप कितनी जल्दी हमारा ये गार्डन तैयार हो गया, ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत गार्डन लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। होप करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो
प्लीज़ उन पर लाइक।